नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तांत्रिक विद्या समाधान और पूजा विधि पर। दोस्तों, आज मैं आपको दुश्मन के ऊपर शैतान भेजना बताऊंगा, यानी दोस्तों आप इस विधि का प्रयोग करके अपने दुश्मन को वश में कर सकते हैं या उसका काफ़ी नुकसान भी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह विधि काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए इसको करने से पहले किसी ज्ञानी पुरुष की आप सलाह अवश्य लें या किसी तांत्रिक से जानकारी अवश्य लें। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। दोस्तों इस साधना को आप किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक समाप्त कर सकते हैं या आप इस समय में इसको कर सकते हैं। सामग्री, दोस्तों इस विधि को करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जो निम्न प्रकार है, और इसको आपको अवश्य ही जरूरत है यदि आप यह विधि करना चाहते हैं तो। इसीलिए दोस्तों इसको आप पहले एकत्रित कर लें। 4 इंच लंबी नीम की लकड़ी और दुश्मन के बाल। अब दोस्तों इस विधि को करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए समय पर आप सामग्री लेकर रात्रि में 10 बजे के बाद किसी भी शमशान घाट में चले जाएं। अब दोस्तों वहां पहुंचने के बाद नीम की लकड़ी पर अपने दुश्मन के बाल लपेटें। अब दोस्तों इतना करने के बाद उस लकड़ी पर शत्रु का नाम लिखें, यानी दोस्तों जो आपके दुश्मन का नाम है वह असली नाम आप उस पर लिखें। अब दोस्तों इस लकड़ी को जलती चिता की आग में तपाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तपाते समय आप अपने मन में अपने दुश्मन का ध्यान करेंगे और उस लकड़ी को अपना दुश्मन समझ के ही तपाएंगे। दोस्तों यह प्रक्रिया आप लगातार 7 रात्रि तक करते रहें। दोस्तों जैसे ही 7 रात्रि तक बुद्धि पूरी होगी, आपके दुश्मन को शैतान पकड़ लेगा या उसके सिर पर शैतान चला जाएगा। और दोस्तों जो आप शैतान से बोलेंगे वह कार्य या वह व्यवहार आपके दुश्मन के साथ करेगा। सावधानियां, दोस्तों इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। दोस्तों यह विधि आप तभी करें जब इसकी आपको पूरी जानकारी हो। यदि आपका काम पूरा हो जाए तो दोस्तों आप उस लकड़ी को ले जाकर किसी भी शमशान घाट में दफन कर दें। दोस्तों एक मंत्र है जिसको आपको जाप करना है, इसे देख लीजिए, निम्न प्रकार है। दोस्तों यह मंत्र आपको लकड़ी को चिता में तपाते समय या दोस्तों लकड़ी के ऊपर बाल लपेटते समय इसको पढ़ना है या इसको बोलना है। और दोस्तों लकड़ी के ऊपर बाल को लपेटने से पहले आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और दोस्तों जाप करने के बाद में उस लकड़ी को तपाना है। और दोस्तों चिता में तपाते समय भी आपको यह मंत्र पढ़ना है। और दोस्तों हमारी वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।